हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ब्रदर। दोस्तों, अब बात करेंगे आज डेल्फी के सिंगल सेंटर पंप के बारे में, जो महिंद्रा DI 3200 और बलैरो M2 DI और महिंद्रा दोस्त लेलैंड दोस्त में होता है। तो ये पंप था मेरे पास, इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी। स्टार्टिंग प्रॉब्लम कैसे थी, गाड़ी जैसे खड़ी है, 1-2 घंटा खड़ी रहेगी गाड़ी, तो उसके बाद गाड़ी एयर निकाल के स्टार्ट होती थी, बिना एयर से स्टार्ट नहीं होती थी। जैसे गाड़ी की एयर निकाल दो गाड़ी स्टार्ट, और अगर एयर ना निकालो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो इस पंप आया था मेरे पास, इस पंप को डिसमेंटल करके असेंबल करके इसकी टेस्टिंग करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग और सेटअप के साथ टेस्टिंग, दोनों तरह की टेस्टिंग बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं डालता रहता हूँ, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपने खोलना है, तो पहले इसका DB होल्डर खोलेंगे 17 नंबर पाने से, और उसके अंदर भी जैसे नॉर्मल DB में सामान होता है ऐसे होता है। ये स्प्रिंग है, इसका पिग स्प्रिंग, और अंदर DB है इसके, और इसका DB डिलीवरी बार। और इसका DB होल्डर है ये, उसके बाद ऊपर का होल्डर खोलना है इसका। आप वर्कर में पकड़ के जैसी मर्जी खोल सकती है इसको। इसका वॉलनट है, और अंदर एक और DB है। तो उसमें दिक्कत क्या आ जाती है, थोड़ा कोई कोई कचरा वगैरह आने से, जो इसका DB है वो प्रॉपर काम नहीं करता। जैसे ही गाड़ी बंद होती है तो इसका पूरा जो तेल है वो उतर जाता है, टैंकी में वापस चला जाता है, जैसे हमारे फीड पंप होते थे तो उसके वाल ख़राब हो जाते थे, तो उसका तेल उतर जाता था, ऐसे ही इसमें दिक्कत आती है। आप इसको खोल के सर्विस कर सकते हैं, तो गाड़ी ओके हो जाएगी आपकी। अगर इसमें ऐसी तरह की दिक्कत है, या आपके पास कोई पंप चेक करवाने आता है, तो आप इस तरह से पंप चेक कर सकते हैं इसका। तो इसकी बैरल है जो निकालेंगे, निडल, इसमें लॉक होता है, लॉक निकाल के तो उसकी जो एलिमेंट की पिन है वो बाहर आ जाएगी, जिसका लॉक है। एलिमेंट देखो बिल्कुल ओके है इसका, एलिमेंट कुछ ख़राब नहीं हुआ, तो इतना जल्दी ख़राब नहीं होते ये। या तो इसकी मीटिंग यूनिट में दिक्कत आती है, या फिर इसमें कोई कचरा वगैरह आ जाने से ये प्रॉपर काम नहीं करता। तो इसकी हाउसिंग है पूरी, इसको अच्छे से धो के दोबारा असेंबल करते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह धो बना के साफ़ कर लिया, तो इसको असेंबल करते हैं। पहले इसकी जो पिन है एलिमेंट की वो जाएगी अंदर, उसके बाद इसका लॉक लगा देंगे, ताकि जो जो पिन है बाहर ना आए। इसको और कनेक्ट पर लगा सकते हो आप, जैसे ही आपको अच्छा लगे। और उसमें इसकी लोअर प्लेट और स्प्रिंग डालेंगे, लोअर प्लेट और स्प्रिंग। स्प्रिंग दबा के इसका लोअर प्लेट बढ़ा देंगे, इसका लोअर प्लेट बैठ गया। और इस लोअर प्लेट बैठाने के बाद इसका जो DB है उसको अच्छे साफ करके उसको लगाएंगे, इसका डॉक्टर है वो लगा देंगे। और DB होल्डर में DB डाल के इसको होल्डर टाइट कर देंगे, इसका DB होल्डर बाल और DB होल्डर। इसके अंदर स्प्रिंग और पेग रहेगा, जैसे हमारा नॉर्मल होल्डर में होता है इनलाइन पंप के, बस साइज में थोड़ा छोटा है, तो उसको टाइट कर देंगे अच्छे से दोनों को। उसका चेक करने का तरीका भी बताएंगे मैनुअल और सेटअप के साथ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना,
और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो इन दोनों को टाइट कर लेना अच्छे से, और ये इसका मीटरिंग यूनिट है, ये इसका मीटरिंग यूनिट है, इसको लगा देंगे। और ये ख़राब है कि नहीं ये मशीन पे ही पता लगेगा आपको। अगर आपके पास सेटअप नहीं है प्रॉपर तो आप मैनुअल कैसे चेक कर सकते हैं वो भी बताएंगे वीडियो में। इसका मीटिंग में लगा दिया हमने। और दोस्तों आपने आपको इसको चेक कैसे करना है वो बता, कि इसको मैनुअल कैसे चेक कर सकते हैं वो बताते हैं आपको। ये हमारा पंप असेंबल हो गया। इसको जो चेक करना है कैसे करना है, तो इसके लिए आपके पास ऐसा होजिंग होना ज़रूरी है। आप एक ऐसा होजिंग लेके रख लो ताकि जो आपके पास जितने भी पंप आए आप पंप को इसके ऊपर लगा के चेक कर सकें कि पंप ओके कि नहीं। सिर्फ तो ऐसा एक होजिंग मंगा के रख लो आप, जैसे ही पंप आया इसे होजिंग के ऊपर लगाया, उसको चेक करें मशीन पर लगा के कि पंप ओके कि नहीं हमारा। तो इसमें 13 नंबर के बोल्ट लगा के इसको टाइट करेंगे। तो हमारा हो गया पंप असेंबल, इसको करेंगे मशीन पे चेक। आगे कपड़े लगा लेंगे इसके। इसकी सेटिंग स्टार्टिंग है, इसकी टेस्टिंग करेंगे पहले सेटअप के साथ। इसको हमने मशीन से प्रेशर दिया है, और इसकी मेन पाइप है जो रेल में जाएगी, और रेल के बाद जो पाइप है वो रीडिंग होएगी हमारी जो मेन डिलीवरी होएगी। और इसको हमने करंट दिया है मीटरिंग यूनिट को, जो हमारे पास सेटअप के साथ उसका 2 बार का प्रेशर रखना है, इनलाइन प्रेशर 2 बार का। इसको चेक करेंगे EPR 625 पे, जिसके पास हमारा सेटअप लगा पूरा प्रेशर कंट्रोल यूनिट के साथ। सेटअप के साथ चेक करेंगे पहले इसको, फिर उसके बाद मैनुअल टेस्टिंग करेंगे इसका। तो हमने इसका 200 प्रेशर सेट किया है स्टार्टिंग का, और मशीन को करेंगे ऑन। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें, इसमें मैनुअल सेटिंग भी है और सेटअप के साथ भी सेटिंग है कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हो। तो 100 RPM पे इसका प्रेशर हमने 200 बार का सेट किया है, और मीटिंग यूनिट को करंट देंगे 5 वोल्ट का। तो ये हमारा जो प्रेशर सेट किया 200 बार का वो है। तो हम इसकी डिलीवरी चेक करेंगे 100 RPM पे सिंगल स्ट्रोक पे। स्ट्रोक लगाते हैं इसका, इसकी स्टार्टिंग आ रही है। इनलेट प्रेशर 2 बार का देना है दोस्तों। दो बार का इनलेट प्रेशर दिया हमने। इसकी स्टार्टिंग है 100 RPM पे, और डिलीवरी 60 मेन आया है, जिसकी डिलीवरी है 60 CC सिंगल स्ट्रोक पे। अब करते हैं 500 RPM पे मशीन को। उसकी डिलीवरी लेते हैं 500 RPM पे। इसका 60 CC तेल आया है 1000 प्रेशर पे। तो मशीन का प्रेशर RPM करते हैं 800 पे।
मशीन के आरपीएम ने 800 सेट किए और प्रेशर कर देंगे 1200 बार का सेट। मैनुअल पे करेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग ऑटो पे करेंगे, बाकी मैनुअल पे करेंगे टेस्टिंग इसके। इसका स्टॉक लेते हैं 800 आरपीएम पे, 1200 बार प्रेशर पे। तो इसका 50 सीसी मेन आया है, जिसकी डिलीवरी है 50 सीसी। अब 1000 आरपीएम करेंगे मशीन का, और 1400 बार का प्रेशर सेट करेंगे। करंट हमारा वही रहेगा 5 वोल्ट का। स्टॉक लगाते हैं इसका, तो 40 सीसी हमारा मेन आया है। इनलेट प्रेशर हमारा वही है 2 बार का। चौदह सौ बार का प्रेशर सेट किया था हमने। तो दोस्तों ये थी हमारी सेटअप के साथ टेस्टिंग पूरी। अब करेंगे मैनुअल टेस्टिंग। जिन भाइयों के पास सेटअप नहीं है बोश का या कोई भी, तो उसको मैनुअल तरीके से कैसे चेक कर सकते हो पंप को। अब इसकी मैनुअल टेस्टिंग करेंगे। ये हमारी 100 आरपीएम पे फाइनल टेस्टिंग हो रही है स्टार्टिंग की। अब करते हैं मैनुअल टेस्टिंग। तो कनेक्शन वैसे ही है, 2 बार का इनलेट प्रेशर देना है और मीटर इनटू करंट देंगे। और ये 300 बार की नोजल है, 300 बार का प्रेशर सेट किया हमने नोजल का। और मीटर यूनिट को आपने करंट नहीं देना, क्योंकि अगर आप मीटर यूनिट में करंट देंगे तो उसका मेन जो है तेल आना बंद हो जाएगा। तो इसको बाद में चेक करेंगे स्विच को, आपको इसको करंट नहीं देना स्विच को। तो सबसे पहले इसको मशीन को करते हैं ऑन और आरपीएम करते हैं 100। स्टार्टिंग चेक करते हैं इसका क्लॉकवाइज। इनलेट प्रेशर हमारा वही रहेगा 2 बार का, तो 100 आरपीएम पे हमारी मशीन चल रही है। तो हमने आगे नोजल लगाया इसके 300 बार के प्रेशर सेट करके। और इसके मीटर यूनिट को हमने करंट नहीं दिया, देखो अगर करंट दे दिया तो उसका जो मेन डिलीवरी आनी बंद हो जाएगी। तो उसको बाद में फाइनल चेक करेंगे, तब देखेंगे स्विच को। पहले इसकी रीडिंग लेते हैं कि ओके कि नहीं पंप। पहले इसकी स्टार्टिंग चेक करते हैं 100 आरपीएम पे। इसकी स्टार्टिंग चेक करते हैं पहले, दो बार का इनलेट प्रेशर। ये हमारी मेन डिलीवरी आ रही है। ये हमारी मेन डिलीवरी आ रही है मैनुअल टेस्टिंग पे। दो बार का इनलेट प्रेशर। तो हमारी मेन जो आई है 60-65 के आसपास है, 60 सीसी। मशीन को करते हैं 500 आरपीएम पे। 500 आरपीएम पे मशीन को सेट करेंगे। मशीन का आरपीएम हमने 500 कर दिया। प्रेशर वही हमारा 2 बार का सेट रहेगा इनलेट प्रेशर। उसकी स्ट्रोक लगाते हैं 500 आरपीएम पे। तो 500 आरपीएम पे हमारा वही 60-65 तेल आया। आरपीएम करते हैं 1000 का सेट। इनलेट प्रेशर हमारा वही 2 बार का। और लेते हैं इसकी डिलीवरी। हमारा आया 1000 पे, 50-55 सीसी के आसपास मेन आया।
RPM पे मशीन के RPM करते हैं 100 सेट। उसके बाद करते हैं इसका मीटर यूनिट चेक, ये काम कर रहे कि नहीं। तो हमारे देखो ये मेन स्टार्टिंग आ रही है हमारी ग्लासी में, तो हमने स्विच नहीं लगाया। जैसे इसका हम इसको करंट देंगे DRV को, तो इसका मेन जो है आना तेल बंद हो गया, इसकी मेन डिलीवरी आनी बंद हो गई करंट देने से। वो जैसे इसको निकाल देंगे और डिलीवरी आनी हमारी शुरू हो जाएगी, इसका मतलब हमारा जो मीटर यूनिट है वो काम कर रहा है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताना।